हम लोगों का एडवेंट सीजन स्टार्ट हुआ 2 दिसंबर से, और हम लोगों की रेगुलर तब से वर्शिप सर्विस हो रही है प्रभु यीशु मसीह के आगमन को लेकर। स्पेशल वर्शिप सर्विस हम लोगों ने किया एवरी संडे, एंड 24th को 4th एडवेंट संडे है। आज हम लोग आज कैंडल लाइट कैरल सर्विस है जो 5:30 से स्टार्ट होगा, और आज हम डिफरेंट कैरल्स गाएंगे, और आप देख सकते हैं चारों तरफ कैंडल्स हैं। शिमला के रिज पर बने क्राइस्ट चर्च में पहली बार क्रिसमस अलग अंदाज में मनाया जाएगा। क्रिसमस पर जहां पहले चर्च में कैरल गाए जाते थे, वहीं इस बार पहाड़ी नाटी का आयोजन भी किया जा रहा है। इसको लेकर चर्च में तैयारियां शुरू हो गई हैं। यह पहला मौका होगा जब चर्च के अंदर पहाड़ी नाटी का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य हिमाचल की संस्कृति को देश विदेश के लोगों तक पहुँचाना बताया जा रहा है। भेजनी है शॉर्ट मेरे को भी चलना नहीं पर शालोम एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। यस, मेरा नाम वनीता रॉय है और मैं क्राइस्ट चर्च शिमला की प्रीस्ट इंचार्ज हूँ। हम लोगों का एडवेंट सीजन स्टार्ट हुआ 2 दिसंबर से, और हम लोगों की रेगुलर तब से वर्शिप सर्विस हो रही है प्रभु यीशु मसीह के आगमन को लेकर। स्पेशल वर्शिप सर्विस हम लोगों ने किया एवरी संडे, एंड 24th को 4th एडवेंट संडे है। आज हम लोग आज कैंडल लाइट कैरल सर्विस है जो 5:30 से स्टार्ट होगा, और आज हम डिफरेंट कैरल्स गाएंगे, और आप देख सकते हैं चारों तरफ कैंडल्स हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, और उनकी स्तुति करते हुए हम इस प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को जो आने वाला है 25th को, उनका स्वागत करते हुए इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और उनकी वर्शिप करते हैं। यस, 25 तारीख को हम 24th को हम लोगों का इवनिंग वर्शिप सर्विस है, मिडनाइट सर्विस जिसे हम कहते हैं, और उसमें भी हम लोग आराधना करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, और विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं जिनमें हमारे प्रशासन के लिए, शांति के लिए, देश के लिए विशेष प्रार्थना की जाती है मिडनाइट सर्विस में, कि प्रभु अपना शांति हमारे देश के अंदर और हमारे राज्य के अंदर दे और तमाम परिवारों के अंदर भी। तो हम विशेष हिमाचल के लिए और अपने प्रशासन के लिए भी 24th को प्रार्थना करेंगे और प्रभु की आराधना करेंगे, और उसमें जितने भी भक्त लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, जितने भी हमारी कॉन्ग्रीगेशंस हैं, कलीसियाँ हैं, जो भी आना चाहता है वो सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 25th को हमारा मेन क्रिसमस डे है, और उस दिन की वर्शिप सर्विस 11 बजे होगी, जिसमें ना ही सिर्फ कॉन्ग्रीगेशन के लोग पर दूर दूर से बहुत तमाम लोग उस क्रिसमस सर्विस पर पार्टिसिपेट करेंगे, लोग आएंगे प्रभु यीशु मसीह की आराधना के लिए और उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए। और उसमें हमारे स्पेशल हमने हिमाचल के कल्चर को ध्यान में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस पर हमने एक नाटी भी किया है, बच्चों का भी प्रोग्राम है, महिलाएं नाटी करेंगी, और उसी आराधना के बीच में विशेष प्रार्थनाएं भी की जाएंगी, और उसके साथ सभी जितने हमारी कॉन्ग्रीगेशन होगी, लोग होंगे, उन सभी लोगों के लिए ओपन लंच या भंडारे का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें सभी लोग संगति करेंगे और भंडारे में शामिल होंगे। शाम तक यहाँ पर ये चर्च खुला रहेगा, यहाँ पर प्रार्थनाएं की जाएंगी, और लोग टूरिस्ट हैं जो आएंगे और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना किया जाएगा, और रात के 12 बजे तक यहाँ पर सिंगिंग, कैरल सिंगिंग और प्रार्थनाएं जो हैं वो की जाएंगी।
आप देख सकते हैं कि चर्च में यस बहुत सारी लाइटिंग की गई है और तैयारियां शुरू हैं क्रिसमस की, और ये तैयारियां धीरे धीरे चल रही हैं। पिछले दिनों में हमने 2 दिन पहले बच्चों का क्रिसमस ट्री प्रोग्राम भी सेलिब्रेट किया, जिसमें बच्चों को क्रिसमस गिफ्ट्स दिए गए। सेंटा आए और सेंटा ने क्रिसमस गिफ्ट सभी लोगों को दिया, और प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिवस को मनाते हुए हमने बच्चों के साथ उस दिन को सेलिब्रेट किया। सो ये हमारा मेन पर्पस है, प्रभु को महिमा मिले, और ऑफ कोर्स लोग जितने भी लोग यहाँ आए उस नाटी के माध्यम से हमारे हिमाचल की जो संस्कृति है उसको जानने पाएँ।